सब्सक्राइब करें ट्रेडिंग चाणक्य चैनल को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग चाणक्य के YouTube चैनल में मैं अनिल मित्तल करता हूं आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत और स्वागत आप सभी का हमारी वेबसाइट ट्रेडिंग चाणक्य .com पे। बात कर लेते हैं दोस्तों स्टॉक मार्केट न्यूज की 8 अक्टूबर 2018, देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स, साथ में देखेंगे निफ्टी के ऊपर इंट्राडे टेक्निकल व्यू क्या कहता है। तो चलिए पहली अपडेट दोस्तों हमारे पास आ रही है लार्सन टर्बो से, इनकी एक इकाई को दोस्तों 18 से 81 करोड़ रुपए के दो टेंडर मिले हैं। कंपनी को कुवैत से 22,132/11 kV सब स्टेशन बनाने का काम मिला है, साथ में पश्चिम बंगाल में खड़गपुर और मिदनापुर इलाके में उच्च वोल्टेज का वितरण सिस्टम लगाने का काम मिला है। देखते हैं भैया कैसा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाएगा और कितनी जल्दी कर पाएंगे, प्लस कितना मुनाफा इनको टोटली होगा। अगला दोस्तों सेकंड अपडेट आता है अनिल अंबानी जी के साथ से, और अनिल अंबानी जी फंस गए हैं एक केस में। अनिल अंबानी आप सभी को पता है टेलीकॉम उपकरण निर्माता कंपनी इनके मालिक है, और एक कंपनी है ऐसी जिसका नाम एरिक्सन है, उन्होंने इनके ऊपर केस दर्ज कर दिया है। अनिल अंबानी और एरिक्सन के बीच एक समझौता हुआ था जिसमें 30 सितंबर तक इनको 550 करोड़ रुपए देने थे अनिल अंबानी जी को एरिक्सन को, लेकिन वो नहीं दे पाए, जिसके लिए कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दिया है। और देखते हैं कि जो सरकार है या जो हमारी कोर्ट है वो क्या इसके ऊपर जुर्माना लगाती है। तीसरा दोस्तों अपडेट आ रहा है भैया चालू वित्त वर्ष यानी करंट फाइनेंशियल ईयर में और अप्रैल और सितंबर छमाही में आईपीओ के अंदर जबरदस्त पैसा लगाए, तकरीबन 12,470 करोड़ रुपए लोगों ने आईपीओ में इन्वेस्ट करे हैं। ये रकम दोस्तों 10 कंपनियों द्वारा जुटाई गई है, और जिनमें से सबसे ज्यादा जुटाने वाली जो कंपनी है इनके कुछ नाम ऐसे है कि विराक इंजीनियरिंग, आवास फाइनेंशियर्स और TSNC क्लोथिंग, इन कंपनियों ने सबसे ज्यादा पैसे जुटाए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा काम करे और स्टॉक जो अच्छे बढ़े और फाइनेंशियली और फंडामेंटली दोनों इनका बेहतरीन परफॉर्मेंस रहे। लास्ट दोस्तों अपडेट आ रहा है टाटा elexi से, मुनाफे में तकरीबन 44% की वृद्धि हुई है इस क्वार्टर में। कंपनी को 57.24 करोड़ रुपए के मुकाबले 82.18 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है, नेट प्रॉफिट, चलिए अच्छी बात है। और अब बात कर लेते हैं निफ्टी के इंट्राडे टेक्निकल के ऊपर, तो ये हमारे पास चार्ट है। ये दोस्तों हमने बात करी थी शुक्रवार को, दो लाइनें लगाई थी और आज की प्रेडिक्शन के लिए यानी मंडे की प्रेडिक्शन के लिए, तो मार्केट कुछ कुछ वैसे ही काम कर रहा है, लेकिन मार्केट नीचे से एक सपोर्ट लेकर के ऊपर जा रहा है, ऊपर से फिर एक रेजिस्टेंस लेके नीचे गया, तो आज के दिन एक जो है लॉस की स्थिति बन गई क्योंकि नीचे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता क्योंकि नीचे चला गया था, क्लोजिंग दे दी थी इस लाइन के नीचे और ऊपर जाकर के आपका कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस हिट होता, तो आज की जो स्थिति लॉस की जरूर बनती। और बात कर लेते कि भैया कल कैसा रह सकता है यानी नेक्स्ट ट्रेडिंग डे कैसा रह सकता है, तो बड़ा ही सिंपल है, आज का जो हमारा हाई है उससे थोड़ा सा ऊपर यानी आप कह लीजिए 10,400 को तोड़कर मार्केट अगर ऊपर जाता है तो बुलिश पॉसिबिलिटी बन जाएगी बाजार की और संभावना है कि मार्केट ऊपर जाएगा। बाकी जो नीचे का सपोर्ट है वो कुछ इस तरीके से बनना चाहिए, ये तो ये जो लेवल है ये 10,300 के अप्रोक्स है यानी 100 रुपए यानी 100 पॉइंट का यहाँ डिफरेंस है, और इसमें अगर मार्केट ऊपर की लाइन तोड़ के ऊपर जाता है तो ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बनेगी, और अगर नीचे की लाइन तोड़ के नीचे जाता है तो नीचे जाने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। तो एज ए डेमो ट्रेडिंग एज ए पेपर ट्रेडिंग इसको वॉच करिए, देखिए क्या स्थिति रहती है, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय दोस्तों।